इस कहानी का नाम है ब्लैक पेंटिंग। दो दोस्त रहते, वसीम और एक का नाम रहता अकरम। ये दोनों दोस्त हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते, ये काम रहता उनका। लेकिन काफ़ी दिनों से उन लोगों को कोई नया आइडिया, नई स्क्रिप्ट, नई स्टोरी लिखी नहीं जाती, तो वो लोग बड़े परेशान हो जाते। यार जितनी भी स्क्रिप्ट थी, जितनी भी स्टोरी थी, वो सब लिख चुके, कुछ नया चाहिए। तो वो लोग सोचते यार क्या करा जाए, क्या करना चाहिए। तो वसीम जो रहता ना, वो बोलता है यार ऐसा करते, अपन यहाँ से हट जाते, कहीं और जाते, थोड़ा से दूर रहेंगे ना या इस माहौल से, कहीं अकेले रहेंगे तो स्टोरी और नए नए आइडिया समझ में आते। तो अकरम भी बोलता कि यार ठीक है, बोले चलते अपन कहीं, लेकिन कहाँ जाएंगे। वसीम बोलता कि मेरे एक रिश्तेदार का फ्लैट है शहर में, वो खाली पड़ा रहता, बहुत दिनों से वो खाली पड़ा है। तो ऐसा करते ना, अपन उनसे चाबी ले लेते फ्लैट की और वहीं जाके अपन रहते। अकरम बोलता ठीक है, ले लो चाबी। तो वसीम क्या करता, चाबी ले लेता फ्लैट की और वो दोनों चले जाते वो फ्लैट पे रहने के लिए। तो वो लोग जाते वहाँ पे, साफ़ सफाई करते, काफ़ी दिन से फ्लैट बंद पड़ा रहता, थोड़ा उसकी साफ़ सफाई करते और जो ज़रूरत का सामान है वो लेकर आते, जो भी ज़रूरत का सामान है वो लेकर आते। और रात हो जाती, बोलते आज सो जाते, कल से अपन इसके ऊपर काम करेंगे, स्टोरी पे, और कुछ भी हॉरर स्टोरी वगैरह कुछ लिखेंगे, ये प्लान करके वो लोग सो जाते। जब वो लोग सो जाते तो आधी रात में वो लोगों को चिल्लाने की आवाज़ आती, खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती। वो दोनों उठ जाते, बोलते यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही। और ये लोग जब दरवाज़ा खोल के देखते तो आवाज़ सामने वाले फ्लैट से आ रही होती है। तो ये लोग हिम्मत करके उस दरवाज़े पे नोक करते तो एक आदमी दरवाज़ा खोलता। वो आदमी पूछता क्या बात है। वो आदमी दरवाज़ा खोलता तो ये लोग बोलते कि आपके यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, सब ठीक तो है। तो बोलता आप कौन है। तो ये दोनों बताते हम लोग सामने वाले फ्लैट में रहने आए। तो बोलता अच्छा अच्छा आओ अंदर आओ। उन लोग को अंदर बुलाता और कुर्सी पे बिठाता, बोलता कि यार असल में ना मेरा जो लड़का है जिसका नाम फहीम होता है, तो बोलता है मेरा जो लड़का है वो अक्सर ना डरावने ख्वाब देखता, उसी के चिल्लाने की आवाज़। तो वसीम पूछता है कि क्या ख्वाब देखता है आपका लड़का, कभी आपको ख्वाब बताया है। तो वो आदमी बताता कि मेरा लड़का ख्वाब देखता है कि एक घर है पुराना, उस घर में वो दाखिल होता है तो उसमें एक कमरा है। जब उस कमरे को खोल के वो अंदर जाता है तो देखता है एक बुज़ुर्ग आदमी है जो पेंटिंग बना रहे हैं, और ये सोचता है कि देखा जाए क्या पेंटिंग बना रहे हैं। तो जब ये करीब जाता है तो वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी एक शैतान की पेंटिंग बना रहा है, और वो पेंटिंग ऐसी है कि शैतान अपने ही औलाद को खा रहा है, अपने ही बच्चे को खा रहा है, ऐसी पेंटिंग बना रहा है। और जब ये बूढ़े की तरफ देखता है तो वो बूढ़ा अपने खून से पेंटिंग बना रहा है, ऐसा ख्वाब मेरा लड़का रोज देखता है। तो ये वसीम बोलता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो आदमी बोलता है इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ। तो बोले बताओ। बोले जो ये ख्वाब देखता है ना, उसमें जो बुज़ुर्ग आदमी है वो मेरे अब्बा है और फहीम के दादा है। ये दोनों चौंक जाते हैं, ये कैसे। वो आदमी बताते हैं कि काफ़ी पहले की बात है ये, जब मैं गांव में रहा करता था और मेरे जो वालिद है, मेरे जो अब्बू है, वो पेंटिंग बनाने के शौकीन थे। गांव में उनका नाम था, बड़े पेंटर थे वो, पेंटिंग उनकी बहुत मशहूर थी। अचानक ही पता नहीं मेरे अब्बू को क्या हो गया, वो बहुत ही अजीब और गरीब पेंटिंग बनाने लगे। तो अकरम पूछता है कैसी पेंटिंग बनाने लगे, अजीब और गरीब का क्या मतलब है। तो आदमी बोलता ऐसी पेंटिंग बनाने लगे जो वही बना सकता है जो बहुत ज़्यादा बेरहम, या फिर जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, या फिर वो आदमी बना सकता है जिसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। गाँव वालों का कहना ये था कि मेरे अब्बू खून से पेंटिंग बनाते हैं। और एक दिन जब मैं और मेरी वाइफ फिल्म देखने गए, और फिल्म देखकर जब हम लोग घर पर आए तो मेरे वालिद ने खुदकुशी कर ली थी।
इस तरह उनकी मौत हो गई। फिर मैं गांव की सारी प्रॉपर्टी बेच के शहर आ गया, शहर में रहने लगा। और उस वक्त तो फहीम पैदा भी नहीं हुआ था, और हम लोग ने कभी फहीम को ये सब बात बताई भी, और वो ये सब ख्वाब आज देख रहे हैं। इसलिए ये मामला बहुत संजीदा है। तो इन लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आती है। जब ये लोग अपने फ्लैट में जाते हैं तो ये दोनों बैठ कर वही बात करते हैं, यार अपने को तो स्टोरी मिल गई, इसी के ऊपर क्यों ना हम लोग एक हॉरर स्टोरी लिख ले। तो वसीम बोलता है ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम यहाँ रुको, मैं इनके बताए हुए एड्रेस पे जो गांव में ये रहते थे मैं वो गांव जाता हूँ, और जाके मैं इसकी और ज़्यादा डिटेल इकट्ठे करता हूँ। तो अकरम बोलता है नहीं, तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ और मैं पता करता हूँ, और मैं तुम्हें वहाँ से इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो दूसरे दिन सुबह में अकरम निकल जाता है गांव के लिए, जो वो आदमी गांव बताया होता है वो गांव चला जाता है अकरम। वसीम यहाँ रह के उस आदमी से बात करने का इंतज़ार करता है, मौका ढूंढता है कि मैं इससे किसी बहाने से बात करूँ। फिर रात होती है और रात में चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वसीम फिर दौड़ के जाता है कि चलो इसी बहाने फिर इनसे बात करूँगा और थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन निकाल लूँगा। तो ये इनके रूम में जाके फिर बैठ जाते हैं और उनसे उस आदमी से बात करने लगते हैं। तभी अकरम का मैसेज आता है वसीम को। तो वसीम मोबाइल निकाल के वो मैसेज पढ़ने लगता है। तो उस मैसेज में अकरम लिखा होता है कि मैं यहाँ पे पूरे गांव में मालूमात लिया तो ये बात सच है कि फहीम के दादा पेंटर थे, और अचानक ही उनकी दिमागी हालत बिगड़ने के कारण वो अजीब व गरीब पेंटिंग बनाते थे, और ये बात भी सच है कि वो अपने खून से पेंटिंग बनाते थे, और ये बात भी सच है कि फहीम के दादा ने खुदकुशी की थी लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी बात कि वो खुदकुशी करने से पहले अपने बेटे, बहू और पोते तीनों का कत्ल किया, उसके बाद उसने खुदकुशी की। ये मैसेज पढ़ने के बाद वसीम के तो हाथ पैर कांप जाते, और जब वो नज़र उठाकर देखता तो फहीम और उसकी माँ बाप और उसके दादा चारों बहुत ही ख़राब हालत में वसीम को देख के मुस्कुरा रहे होते। कैसी लगी ये कहानी?